हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर अयोध्या। बच्चों, आप सबसे जब बात होती है ना तो ऐसा लगता है कि मैं अपने क्लासमेट से, अपने दोस्त से, म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके लिए वीडियो बना के। तो दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर में आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, जो कि सबको पढ़ना है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट्स में पहला है बच्चों एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, तीसरा है बच्चों कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू। तो हम इस वीडियो में आपके थर्ड सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इस थर्ड सब्जेक्ट्स में आपको टोटल पढ़ना क्या है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर अगले वीडियोज में हम 1 by 1 करके हर एक यूनिट्स के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, स्वागत है आपका इस वीडियो पे, और शुरू करते हैं आपके थर्ड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, इस विषय के सिलेबस को। ये विषय मेरा फेवरेट है और डेफिनेटली जब आप इस विषय को पढ़ेंगे तो ये विषय आपका भी फेवरेट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, ये रहा सिलेबस आपके स्क्रीन पे। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो टोटल आपके 6 यूनिट हैं। ओके, 6 यूनिट में आपका जो पहला यूनिट है बच्चों एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा, इसमें आपको क्या पढ़ना है देखेंगे आप। कॉन्सेप्ट एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट अवधारणा, एम्स उद्देश्य और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, विशेषताएँ शिक्षा की। किस शिक्षा की? आगे लिखा है बच्चों वैदिक बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक एरा, यानी कि ये जो 3 शिक्षा के एरा हैं बच्चों, कौन से बच्चों 3 एरा, कौन कौन से आपके? वैदिक बुद्धिस्ट और इस्लामिक, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। इन 3 कालीन शिक्षाओं के जो आपके कॉन्सेप्ट, उद्देश्य और उसकी विशेषताएँ रही हैं, इसके बारे में जानना है कि वैदिक कालीन शिक्षा का। और यकीन माने कि 15 नंबर में एक क्वेश्चन तो आपको इससे 101% आएगा। यूं समझ लीजिए कि मैं पेपर आउट करा रहा हूँ। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब बौद्ध, मुस्लिम्स और वैदिक, इन 3 में से कौन पूछेगा ये श्योर नहीं है, लेकिन एक तो पूछता ही पूछता है। मोस्टली बौद्ध के बारे में रिपीटेड पूछता है। पिछले साल अगर बौद्ध आया तो इस बार वैदिक पूछ देगा, लेकिन एक सवाल पूछेगा। कैसे? सिंपल सवाल ऐसे ही पूछता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ, अवधारणा और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर बौद्धिक कालीन शिक्षा के अर्थ, अवधारणा, विशेषताओं का वर्णन करिए, या मुस्लिम कालीन शिक्षा के अर्थ, अवधारणा, विशेषताओं का वर्णन करिए। कुछ इसी प्रकार से एक क्वेश्चन फिक्स है, यूं समझिए 15 नंबर में आपका। तो ये आ गया आपका पहला यूनिट। ओके, इसी तरह हम दूसरे यूनिट की बात करें। दूसरा यूनिट है बच्चों एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इरा। प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से पहले, भारत में आज़ादी से पहले शिक्षा का स्वरूप कैसा था, शिक्षा में क्या चीज़ें तब्दीलियाँ आई, बदलाव आई, कैसे शिक्षा व्यवस्था रही, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आप इस सेकेंड यूनिट को देखेंगे तो बड़े मज़े की, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है बच्चों चार्टर्ड एक्ट 1813। अब चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दूँ इस पर। चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या होता है? देखिए, आज़ादी से पहले हमारा कोई स्वरूप तो था नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज हमारे, तो वहाँ पे चार्टर्ड एक्ट एक्चुअली क्या हुआ कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ना एक अध्यादेश जारी हुआ। हर 20 साल के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रिपोर्ट जारी करती थी, एक चार्टर्ड एक्ट जारी करती थी कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या क्या कार्य करेगी। हर 20 साल के बाद वो जारी होता था। तो 1813 ईस्वी में एक जारी हुआ, उसमें कहा गया कि अब जो इंडिया में इस्टेब्लिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में एजुकेशन पे कुछ पैसे खर्च करेगी। ये थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है। तो वही चार्टर्ड एक्ट, जो एक्ट वहाँ पे बना, उसी के बारे में पढ़ना है कि एक्ट होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें जोड़ी गई, और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। उसके जस्ट नीचे है मेकालेस मिनट, हिंदी में इसको कहते हैं मेकाले का विवरण पत्र। अब इस चार्टर्ड एक्ट में जब चार्टर्ड एक्ट आया ना 1813 का, तो इंडिया में विवाद शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखिए, चार्टर्ड एक्ट आया कब 1813 में, और हमारी आज़ादी कब हुई, आज़ादी की घोषणा 1947 में हुई, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट मेकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में, इसको आपको पढ़ना है। उसी चार्टर्ड एक्ट के बाद कुछ विवाद हो गया, जिसको सुलझाने के लिए मेकाले ने एक विवरण पत्र दिया था, तो 1835 ईस्वी में। हालांकि वो विवरण पत्र के बाद मामला सुलझा नहीं और बिगड़ गया। ठीक है, उसके बाद आता है वुड का डिस्पैच। अब चूंकि मामला बिगड़ता देख, जब अगली बार की बारी आई चार्टर्ड एक्ट बनाने की, तो वुड डिस्पैच यानी कि वुड का कुछ विवरण पत्र आया। ठीक है,
सॉरी वुड का घोषणा पत्र आया यहाँ पे, तो वुड सॉरी तो अगली बार वुड का घोषणा पत्र आया, उन्होंने 1854 ईस्वी में कुछ सुझाव दिए कि भारत शिक्षा में कुछ ऐसे ऐसे कार्य किया जाए ताकि यहाँ पे विवाद नहीं होगा। तो आपको पढ़ना है वुड के घोषणा पत्र के बारे में, बड़ा मज़ा आएगा बच्चों। चलिए 1854 तक आ गया, फिर यहाँ से हम हिंदुस्तानियों को समझ में आ गया कि भैया अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है, मतलब ये हमें परेशान करने वाले हैं। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाया गया भारत देश में कि नहीं हमें शिक्षा का हक है, हम शिक्षा पढ़ेंगे। एहसास होने लगा कि ये जो अंग्रेज है ना, वो हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये ख़त्म करने आए, ये अंग्रेजी हमें थोपने आए, इस चीज़ का एहसास हुआ गया। तो हमारा एक मूवमेंट चला था भारत में, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, तो उसके बारे में पढ़ना है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोखलेस बिल एंड वर्धा शिक्षा योजना। गोखले जी ने एक अपनी बिल यहाँ पे जारी करी, और वर्धा शिक्षा योजना ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना, आप चाहे बीएड में हो या ना हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, वो हर एक हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद कब बहुत आप इमोशनल्स भी होंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कैसे क्या किया, बड़ा मज़ा आएगा आपको। खासतौर पर ये जो मैकाले का विवरण पत्र है ना, इसको आप जरूर पढ़िएगा, कई बार आपने देखा होगा मैकाले की बातें की जाती है। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपके सेकेंड यूनिट के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट एरा, अब आज़ादी के बाद के शिक्षा का स्वरूप के बारे में थर्ड यूनिट आपका है। तो रिकमेंडेशन ऑन टीचर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि टीचर एजुकेशन पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे कुछ रिकमेंडेशन आए, उस रिकमेंडेशन के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे कि हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कुछ सिफारिशें दी हैं कि प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, सेकेंडरी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए और उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उसी रिकमेंडेशंस को पढ़ना है। और सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के ने कुछ दिया है, शिक्षा कमीशन ने कुछ दिया है, और नेक्स्ट है NEP एंड द रिवाइज NEP। हर भारत में कई बार NEPs आए, नेशनल सर यहाँ पे NPE लिखा है, लेकिन NEP होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज होना चाहिए। जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे काम चल रहा है, आपके एग्जाम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बेस पे होंगे। तो जैसे 2005 में आया, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में क्या मुख्य विशेषताएँ रही, क्या सिफारिशें रही, किस बारे में जोर दिया गया, तो इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट है नॉलेज कमीशन, यानी कि ज्ञान आयोग, इसके बारे में आपको टोटल पढ़ना है। तो ये जो थर्ड यूनिट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए फोर्थ यूनिट की बात करें तो क्रूशियल इश्यूज ऑफ एजुकेशन, ये तो थोड़ा सा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब शिक्षा में कुछ इश्यूज हैं, मतलब कुछ समस्याएं हैं। जैसे पहला है बच्चों एजुकेशन टू लिव टुगेदर। हाँ, बहुत बहुत पहले प्राचीन भारत में ये व्यवस्था नहीं थी कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सके, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या फिर कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजियस से, कास्ट से बिलोंग करता हो, सब एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। पहले ये हमारे लिए एक चिंता थी, पहले ये हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन अब हमने उसको रिजॉल्व कर दिया। तो वही हमें देखना है कि हमारे शिक्षा में कुछ जैसे कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व किया और वो क्या चीज़ें थी, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों एजुकेशन टू लिव टुगेदर, एक साथ रह के एक साथ कैसे पढ़ना है। दूसरा बच्चों पीस एजुकेशन, यानी कि शांति शिक्षा। शांति शिक्षा क्या होता है? शांति शिक्षा मतलब जैसे कि पूरे भारत में या पूरे ब्रह्मांड में आपको शांति स्थापित करना है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात करना, बच्चों के अंदर शांति के विकास गुणों को विकास करना, ठीक है, उन्हें सहिष्णु बताना, टॉलरेंस बनाना, अहिंसक नहीं बनाना है, धर्म के नाम पर जाति के नाम लड़ने वाला नहीं बनाना है। तो इस प्रकार की शिक्षा को कैसे आप बढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। जेंडर इशूज, जेंडर इशूज़ मतलब अभी तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी कई हद तक है इस चीज़ों को, कि लड़का और लड़की के पढ़ाने में भेदभाव जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जनरली होता क्या है कि एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे फिजिकली चैलेंज या फिर स्पेशल चैलेंज बच्चे और नॉर्मल बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पैर ठीक से नहीं काम करता, वो बैसाखी से आता हो या व्हील चेयर पर आता हो, इट्स वेरी नॉर्मल, उसमें उसकी क्या गलती है, या किसी बच्चे के हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन सबको एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा जो होती है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको, समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ क्या होती हैं, इसकी होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ये बहुत मज़ा आएगा, ये मतलब बिल्कुल समझने वाली बात है। तो ये हो गया आपका फोर्थ यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यूनिट नंबर 5 है,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राइट टू एक्ट 2009। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है। राइट टू एक्ट का मतलब कि इससे पहले अगर मान लीजिए कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता तो ठीक है भाई, मेरा बच्चा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप कौन होते हैं बोलने, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। अब राइट टू एक्ट एजुकेशन में ये एक बच्चे का अधिकार है कि उसको पढ़ाया जाए। अगर कोई माँ बाप उस बच्चे को नहीं पढ़ाता है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो माँ बाप आरोपी है, अपराधी है, नहीं आपको पढ़ाना है। ये बच्चे का हक है कि उसको पढ़ाया जाए। तो ये राइट एक्ट 2009। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपकी पाठ्यचर्या कैसी होगी, आपकी पाठ्यचर्या का रूपरेखा कैसा होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये टोटल आपका पांचवा यूनिट हो गया। अगर हम 6th यूनिट की बात करें, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इट्स फाइन, थोड़ा सा देखें क्योंकि सिलेबस देख रहे हैं ना हम लोग और हम बोलचाल की भाषा में भी देख रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो एक यूनिट और बचा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगला यूनिट क्या है बच्चों, नेक्स्ट, ओके, एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बड़ा मजेदार था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, हमारे संविधान में शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसका क्या प्रोविजन दिया गया है, कहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया गया है, कितना महत्व दिया गया है शिक्षा के बारे में, इसको यहाँ पे पढ़ना है। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू फ्रीडम जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। शिक्षा का भूमिका, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा का रोल आपको फ्रीडम जस्टिस और डेमोक्रेसी को प्रोमोट करने में, फ्रीडम स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र को, इन तीन चीज़ों को प्रमोट करने में शिक्षा की कितनी भूमिका, बहुत अहम भूमिका है। आप स्कूल से ही देश का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अगर आप जस्टिस की भावना, डेमोक्रेसी की भावना, फ्रीडम की भावना अगर उनके अंदर विकसित करेंगे तो ये हमारे लिए आगे चल के देश के लिए बड़ा बेहतर होगा। ठीक है, खासतौर पर उस माहौल में जहाँ पे बहुत कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे जाति धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, उस दौर में अगर आप स्कूल के बच्चे को अगर आप उसके अंदर एक जस्टिस और डेमोक्रेटिक वैल्यू उसके अंदर उत्पन्न कर देंगे ना, यकीन माने फ्यूचर में आपका देश बड़ा सुरक्षित रहने वाला है। तो आपको थर्ड यूनिट ये पढ़ना है बच्चों। देखिए कितनी मजेदार सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसके बाद मज़ा आ जाएगा एजुकेशन के बारे में। इसीलिए तो आपको ये सब्जेक्ट्स आपके बीएड में रखा गया, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, एक एक राष्ट्र निर्माण करने वाले बनने जा रहे हैं, बच्चों से राष्ट्र का निर्माण होगा और आप वो शिक्षक है जो बच्चों का निर्माण करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाएगा। लास्ट है बच्चों, रोल ऑफ NCERT, SERT, डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू, NIOS, NCT, इनकी क्या भूमिका होती है शिक्षा व्यवस्था में, इसको पढ़ना। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स है बच्चों, सब्जेक्ट है ना, वो बस एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, इसको पढ़ें। और जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि देश का भविष्य क्या होगा ये आजकल के स्कूल में बच्चों को देख के आप समझ सकते हैं। स्कूल में बच्चे कैसे ना, आपका देश का भविष्य वैसे होगा, और देश का भविष्य बनाने वाले आप शिक्षक हैं। इसलिए एक जिम्मेदारी के तौर पर ये विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी विषय है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको एक साथ मिलकर पढ़ने में। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों। ये थी आपकी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न इन इशूज़ की सिलेबस BA सेकेंड ईयर अवधि यूनिवर्सिटीज की। अब वन बाय वन इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आसान से शब्दों में, बड़ा मज़ा आने वाला है। आप सबका साथ चाहिए मुझे, जुड़े रहिएगा इस चैनल से, अपने और दोस्तों को जोड़िएगा। मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो खुशी मिलती है जब बच्चे जुड़ते हैं, और ख़ासतौर पर जब आप हमसे बातें करते हैं ना कमेंट में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर अपनी रिप्लाई करें, ठीक है, कैसे लगी वीडियोस आपको, कैसा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका और कैसा लगता है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, उस कमेंट के हिसाब में मैं अंदर अपने और इम्प्रूव करता हूँ, चेंजेस लाता हूँ। तो इस वीडियो में यही ख़त्म करेंगे बच्चों, वन बाय वन आपके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों, सिलेबस में और भी सिलेबस को देखेंगे और वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिएगा चैनल से, साथ में ऐसे ही पढ़ेंगे, और दोस्तों को जरूर जोड़िएगा, कमेंट में अपनी राय जमा दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत साथियों। Thank you.